गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7 लेंस का पार्ट नंबर 3। ओके गाइस, और ये है गाइस क्लास 10th के लिए, ये साइंस 1 का चैप्टर नंबर 7 और पार्ट नंबर 3। गाइस, इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 जिसमें हमने पढ़ा था। पार्ट 1 में तो हमने पूरा बेसिक्स पढ़ा था और हमारा सारा जो लेंसेस होता है क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ईच एंड एवरीथिंग गाइस हमने पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था इमेज कैसे बनती है और मैंने सारी इमेज बना करके दिखाया था आपको। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने बनाया था। तो अगर पार्ट नंबर 2 देख लो तो सारी इमेज कैसी बनती है, लेंस फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको पढ़ाया था गाइज, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज गाइज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 3 में ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन आई, मायोपिया, बायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। देखो, याद करने की आपको चैप्टर को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरा वीडियो देख लोगे ना तो फिर याद करने की मतलब आंसर को ऐसे रटोगे, लर्न करोगे, लर्निंग की बात ही नहीं करेगी, मतलब लर्न करना ही नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ गया तो लर्न किस बात का, ठीक है। तो गाइज आज हम लोग जानते हो ना क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना प्यारा सा अपनी ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। गाइज आपको बिलीव नहीं होगा, हमारे आंखों में भी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? हमारे आंखों में भी, वो भी जानते हो कौन सा लेंस होता है? हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो ऐसे दिखता है, ठीक है। तो हमारी आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये बातें गाइज सभी को समझ के रखनी है। तो ऐसे नोट्स आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए गाइस, बहुत टाइम लगा है नोट्स बनाने में, तो जब आप देखोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोग पढ़ पाओगे, ठीक है। और वही नोट्स आपको एग्जाम में कट टू कट लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप ऐसा लिखोगे तो। एकदम रिप्रेजेंट करने का तरीका मस्त, एकदम अच्छे से मैंने लिख के दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो गाइज ये रही हमारी पहली नोट्स, मतलब कि ह्यूमन आई एग्जैक्टली क्या होता है पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अवेयर करवा दूँ गाइस, कुछ चीज़ों से आपको मैं अवेयर करवाना चाहूंगा। एग्जैक्टली मतलब भाई चीज़ें और सारी चीज़ें क्या होती है, मैं उन चीज़ों को आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखो, ये है हमारी आंखें, ठीक है। कितनी अच्छी आंखें है ना इसकी, आंखें तो देखो, है ना। तो चलो ठीक है, सो ये आंखें इसकी, ये जो ऊपर का ये वाला पार्ट रहता है ना माय डियर, इसे हम आईलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? आईलिड, ठीक है। फिर देखो ये हमारा काला काला जो है ना, काला है पर दिल वाला है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्यूपिल होता है, ठीक है। सो गाइस ये प्यूपिल है, प्यूपिल, समझ गया। और जो ये व्हाइट व्हाइट हमारी आंखों में रहता है, जो ये हमारा व्हाइट वाला पार्ट है, सोचो जैसा मैं यहाँ पे पेन लगा रहा हूँ, अगर यहीं पे रियल में आंखों में लगा दूं तो कैसा पेन करेगा ना। तो गाइस ये जो व्हाइट वाला है ना, व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है। और जो ये हमारा देखो, किसी का ये ब्राउन रहता है, किसी का ब्लू रहता है, किसी का ब्लैक रहता है, ये जो पार्ट है इसी को हम आयरिश कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? आयरिश, ओके। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो साइड में ये जो चीजें हैं, ये साइड में जो ब्लैकिश कलर का है इसे हम कहते हैं कॉर्नर। क्या कहते हैं हम इसे? कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। तो अब कभी मत भूलना। और बाकी तो ये आईब्रो है, सभी लड़कियों को मालूम है आईब्रो क्या होता है ना, लड़कों को भी मालूम है, यहाँ पे तुम लोग कुछ तो काला काला लगाते हो, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये सब हमारा आईज होती है, ओके माय डियर। तो ये सारी चीजें हमारी आईज हैं, ये इतना प्यारा सा आईज है जिसमें मैंने एकदम रेड रेड कर दिया पूरा, है ना, ठीक है। तो ये हमारी पूरी गाइस आईज है, ओके। तो इसको अच्छे से आपको समझ के रखना है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आईलिड, प्यूपिल क्या होता है ये बात ध्यान रखना, मिडल में है। स्क्लेरा क्या होता है ये भी ध्यान रखना, ये व्हाइट वाला जो हमारा पूरा रहता है आंखों में वो स्क्लेरा रहता है। फिर आयरिस हमारा क्या होता है ये भी तुम जानते हो, कॉर्नर्स क्या होते हैं ये सब तुम जान चुके हो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आईज वाले पार्ट्स में, ठीक है। अब अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। तो गाइज एक बात ध्यान दो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, कि हमारे आंखों में एक थिन यानी पतली मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम यहाँ पे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं उसी? हम कॉर्निया, मैं आपको अच्छे से इस चीज के बारे में दिखाऊंगा, कॉर्निया किधर होता है वो डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। बट गाइज एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो हमारी आईज है, आईज का पूरा 3D स्ट्रक्चर गाइज मैंने बनाया है। क्या बनाया? मैंने आईज का 3D वाला स्ट्रक्चर बनाया है। तो 3D वीडियो अगर आपको देखनी है तो सिर्फ क्या लिखोगे आप लोग, सर्च करोगे यूट्यूब में ह्यूमन आई, क्या लिखना है? ह्यूमन आई 3D बाय न्यू इंडियन एरा, ये सर्च कर दोगे ना
तो आपको 3D की वीडियो मेरी दिख जाएगी और उस पूरी वीडियो को आपको देख लेना है। कसम से कहता हूँ ऐसी आईज का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना कि वैसा कॉन्सेप्ट कभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलो आप बताता हूँ कॉर्निया किधर होता है। कॉर्निया क्या होता है? थिन ट्रांसपेरेंट कवर। अब यहाँ पे देखो क्या है ये, देखो आपको कॉर्निया दिखाता हूँ मैं किधर है। देखो ये एक बाहर का ये पतला सा कवर जो है यही हमारा होता है कॉर्निया, ये हमारा कहलाता है कॉर्निया। आई होप कि आपको समझ गया। ठीक है ना, अब यहाँ देखो अभी ना, और इसी कॉर्निया में से गाइस हमारे बॉडी में लाइट इंटर करती है, मतलब हमारी आंखों में जैसे कि दुनिया में सारी चीजें लाइट एमिट करती हैं, लाइट छोड़ती हैं, तो तुम भी लाइट छोड़ रहे हो, तुम्हारा फोन लाइट छोड़ रहा है, मैं लाइट छोड़ रहा हूँ, सब लाइट हम इमिट करते हैं। इमिट करना मतलब बाहर निकालते हैं। तो लाइट इंटर होती है कॉर्निया के थ्रू हमारे बॉडी में, फिर बहुत सारी जो हमारी इंसिडेंट लाइट अभी अंदर जाती है, रिफ्रैक्ट होती है अंदर। हम देखते हैं ना कैसे रिफ्रैक्ट होती है, ऐसे जाएगी लाइट और ऐसे रिफ्रैक्ट होती है लाइट, हमारे बॉडी के अंदर रिफ्रैक्ट होती है अंदर कॉर्निया के सरफेस में ही। तो कॉर्निया क्या है जान गए हो ना, कॉर्निया ये सबसे आउटर वाला पार्ट जो कवरिंग होती है, ये हमारा कॉर्निया कहलाता है। ओके माय डियर, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। गाइज हमारे बॉडी के अंदर आईज में एक डार्क कलर का फ्लैशी मीन्स एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्क्रीन कॉर्निया के जो पीछे होता है उसी को हम आयरिस कहते हैं। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ध्यान देना, ये है हमारा प्यारा सा कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर साइड में, कॉर्निया के अंदर साइड में एकदम फ्लैशी काला कलर का डार्क एकदम फ्लैशी ये पार्ट जो है ये है हमारा आयरिस। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, आयरिस कैसे होता है, डार्क होता है, फ्लैशी होता है और स्क्रीन मतलब स्क्रीन टाइप का रहता है और कॉर्निया के पीछे रहता है। ठीक है, कॉर्निया सबसे आगे होती है चिकनी सी लेयर जिसे तुम टच कर सकते हो और उसके पीछे फ्लैशी स्क्रीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं गाइस, जिसे हम आयरिस कहते हैं। ठीक है, और गाइस आपको एक और बात बता दूं कि एक कलर ऑफ द आयरिस कैसे होता है ये आपको बताता हूं। तो ये डिफरेंट टू डिफरेंट पर्सन, जैसे कि मेरी अभी ब्राउनिश एंड ब्लूइश है, ठीक है, तो वैसे ही दूसरे फ्रेंड्स की या दूसरे लोगों की मे भी ब्राउनिश हो सकती है, ब्लैकिश हो सकती है और कैसे भी हो सकती है। ठीक है, सो ऐसी आईज हो सकती है, तो किसी की किसी भी कैसी भी है, जैसे देखो इसकी ब्लूइश है आप देख सकते हो, और जरूरी नहीं कि ब्लू आईज बहुत अच्छी आईज होती है, सबसे अच्छी आईज ब्लैक आई होती है गाइज अगर आप इसमें बात करो तो, हालांकि इनसे कलर से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बात तुमको ध्यान रखना है। तो हम इंडियंस हैं, हमारी ब्लैक होती है, हम अधेरे में हैं बहुत, हम छुप छुप के मारते हैं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे आयरिस का कलर मोस्टली इंडिया में ब्लैकिश होता है या ब्राउनिश रहता है। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट गाइज अभी हम सीखते हैं, अगला वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो गाइज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो हमारी आईज है इसके अंदर एक इसका बहुत ही स्मॉल होल होता है उसी आयरिस के अंदर। देखो ये हमारा बाहर बाहर वाला आयरिस था और उसके अंदर देखो छोटा सा होल है जो ब्लैक ब्लैक कलर का है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा, देखो ये हमारा आयरिस था और आयरिस के अंदर देख सकते हो आप यहाँ पे एक स्मॉल देखो यहाँ पे एक होल है, ये स्मॉल होल है जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का यहाँ पे स्मॉल होल होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे इस होल को माय डियर हम क्या कहते हैं, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे देखो ये देखो होल है यहाँ पे, देखो ये होल है, समझा कि नहीं। तो ये होल को हम प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल। तो सबसे बाहर कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आयरिस, आयरिस के अंदर प्यूपिल। ठीक है, याद रहेगा अच्छे से, सबसे पहले कॉर्निया, फिर हमारा आयरिस, आयरिस के अंदर प्यूपिल। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखनी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कोई यहाँ पे डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ अब हम देखो आगे बढ़ते हैं। वही मतलब यहाँ पे बोल के रखे कि प्यूपिल हमारे आयरिस के सेंटर में होता है। नाउ अब इसी प्यूपल के थ्रू हमारी लाइट अंदर मतलब हमारे आईज के अंदर जाती है, हालांकि लाइट पहले कॉर्निया को ही टच करेगी। अब घर में दरवाजा है तो पहले दरवाजा को ही ना कोई टच करेगा। ठीक है, फिर दरवाजे के बाद अंदर जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे अंदर का दरवाजा ऐसे रहता है, तो वैसे ही हम लोग की अंदर लाइट जाएगी कॉर्निया के बाद हमारे आयरिस में, फिर आयरिस से हमारे प्यूपिल में, और प्यूपिल के बाद गाइस हमारे अंदर आईज के अंदर लाइट जाती है। ठीक है, और वो हमारी लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, और वही ब्राइट हमारे प्यूपिल, अगर बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगी लाइट, बहुत चमक रहेगी लाइट में, तो प्यूपिल हमारा छोटा हो जाता है, ऐसे हमारा प्यूपिल छोटा हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, और नहीं तो फिर हमारा प्यूपिल ऐसा बड़ा हो जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो प्यूपिल जो रहता है, प्यूपिल ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर रिलैक्स होता है। तो कभी डिम लाइट रहेगी तो नॉर्मल हमारा हो जाता है, मतलब अगर आपको देखो जब दिखाई नहीं देता ज्यादा तो फिर क्या होता है कि हमारा जो मतलब प्यूपिल रहता है वो एकदम बड़ा हो जाता है, ऐसे हम देखते हैं। और जब कोई ज्यादा बड़ी लाइट रहेगी, ज्यादा ब्राइट रहेगी लाइट, तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं प्यूपिल को। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। चलो तो गाइस जो आयरिस होता है, आयरिस के पास एक बल्ज और ट्रांसपेरेंट बहुत ज्यादा लेयर होती है, मतलब जो आयरिस रहता है आपको मैं दिखाता हूँ, आयरिस जो है उसके ऊपर देख सकते हो आप एकदम बल्जी और ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और बल्जी एक लेयर होती है, लेयर लेयर, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। नाउ गाइस अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अपने मेन चीज जो हमारा लेंस है। आप यहाँ पे समझ भी गए होंगे सारी चीजों को। देखो पहले हमारा यहाँ पे क्या है, पहले हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर हमारा आयरिस है जो कि डार्क और फ्लैशी होता है, फिर उसके अंदर हमारा छोटा सा होल, ब्लैक होल जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। अब हमारी जब लाइट मान लो ऐसे आ रही, तो पहले कॉर्निया, देन कॉर्निया से आयरिस, देन आयरिस से हमारा आइस, प्यूपिल। अब गाइस आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, देखो ये कितना प्यारा सा एकदम अच्छा सा यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका हमारा, इसे हम लेंस कहते हैं, जो ये हमारा पूरा पार्ट है ये हमारा लेंस है। क्या है हमारा ये, अच्छे थोड़ा सा जो हमारा वीडियो है उसकी आप क्वालिटी बढ़ा लो, ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा। देखो ये हमारा लेंस है पूरा का पूरा, ठीक है, दिस इज दी आवर लेंस, जो कि नेचुरली होता है, इसे कोई बनाता नहीं है, दिस इज ये गॉड गिफ्टेड है समझ लो, ठीक है। तो ये हमारा लेंस है जिसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये हमारा, है ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये बातें गाइस आपको समझ के रखनी, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। और गाइस हम लोग को मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस कभी भी अगर मान लो इसके पास ऐसे लाइट्स आती है, ऐसे कोई भी लाइट आती है, तो ये इसको क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, इस तरीके से कन्वर्ज कर देता है इस पॉइंट में, ठीक है, यानी कि इसी फोकस पॉइंट में कन्वर्ज कर देता है। और गाइस हम लोग को मालूम है कि लेंस के बीच का और हमारे फोकस पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, हमने पढ़ा है, तो इसके बीच का ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर, आईज के अंदर लाइट जाती है, तो ये सब आपको समझ के रखना अच्छे से, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो खैर अब हम आगे बढ़ते हैं लेंसेज की तरफ। तो गाइज हमारे बॉडी के अंदर डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, मतलब देखो एक ऐसा कॉन्वेक्स फिर दूसरा ऐसा कॉन्वेक्स, यानी पूरा एक कॉन्वेक्स बन गया। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब एक कांच का, ग्लास का लेंस होता है जो कि नेचुरल मेड है, और ये हमारे प्यूपिल के अंदर होता है, मतलब सबसे बाहर कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर आयरिस, आयरिस के अंदर प्यूपिल, प्यूपिल के अंदर लेंस, ऐसे होता है, समझ गया ना अच्छे से। अब लाइट आएगी तो पहले कॉर्निया के पास जाएगी, फिर आयरिस के पास जाएगी, फिर प्यूपिल के पास, फिर हमारे लेंस के पास, तो इस तरीके से गाइस हमारी लाइट जो होती है ट्रेवल करती है, ठीक है। तो जो हमारा लेंस होता है, लेंस हमारा नॉर्मली एकदम स्मॉल स्मॉल एडजस्टेंट करता है, एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको समझाता हूँ बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ के रखना अच्छे से, ओके। पहले हम सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो आपकी बुक्स में बता के रखे हैं, फिर उसके बाद तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, ओके। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, लाइट आएगी, लाइट यहाँ पे आएगी, ये लेंस मूव कर सकता है, ये लेंस हिल सकता है, लेंस मूवमेंट कर सकता है, इतनी नेचुरल लेंस है ना। फिर यहाँ पे ऐसे लाइट आती है, और लाइट आने के बाद क्या होती है, आगे चल के यहाँ पे इस पॉइंट में जहाँ पे आपको रेटिना दिख रहा होगा, रेटिना, इस रेटिना, रेटिना एक मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे हमें दिखाई देता है, जो हमारा स्क्रीन होती है, रेटिना को हम स्क्रीन कहते हैं, तो ये स्क्रीन होती है, अगर यहाँ पे लाइट आके पड़ती है ना, एग्जैक्टली इसी पॉइंट में अगर लाइट आके गिरेगी ना, तो ही हम देख पाते हैं, वरना अगर इधर पे आ गया या बाहर आ गया तो हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये बातें आपको सब समझ के रखनी है, ओके, ठीक है। तो रेटिना हमारे आईज का एक ऐसा पार्ट है, जैसे कि हमारे पुराने टाइम पे देखो टीवी वगैरह चला करती थी, तो स्क्रीन हम पर्दा इस्तेमाल किया करते थे, तो वैसे ही वो स्क्रीन है, उसमें लाइट पड़ेगी ना तो ही हमको कुछ दिखाई देगा, वरना हमको दिखाई नहीं देगा। तो रेटिना में अगर हमारे स्क्रीन में लाइट नहीं आती तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर रेटिना में आके स्क्रीन के ऊपर, इस रेटिना पे ही अगर लाइट आके पड़ेगी ना तो ही हमको कुछ दिखाई देगा। तो रेटिना हमारा स्क्रीन होता है, समझ लेना इतनी बात, ठीक है। स्क्रीन में लाइट गिरेगी तभी हम कुछ देख पाएंगे, वरना हम नहीं देख पाएंगे। अगर मान लो लाइट आके यहीं पे पूरा का पूरा यहीं पे बन गया, तो पूरा लाइट यहीं पे बन गई तो हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, यहीं पे बनेगी, रेटिना में ही बनेगा तो ही हम देख पाएंगे, ये बात तुमको ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि देखो ये था हमारा गाइस अच्छे से लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब एक बात समझ के रखना कि ये कॉन्वेक्स लेंस आगे पीछे क्या होता है, मूव कर सकता है। आप एक बात देख रहे हो कि देखो ये हमारी लाइन है, देखो ये मसल, ये मसल्स आपको दिख रही है क्या, ये मसल्स ने लेंस को पकड़ रखा है, ये देखो अंदर अंदर ऐसे मसल, इन मसल्स ने माय डियर लेंस को पकड़ रखा है, आप देख रहे हो। तो ये मसल्स जब हम देखो क्या होता है ना, कि जब ये मसल्स बराबर पकड़ के रखी तो हमारा लेंस बराबर एक पोजीशन पे रहेगा, एक हमारे बराबर पोजीशन पे रहेगा। अगर मान लो ये लेंस आगे पीछे होने लग गया तब, तो जब मान लो लेंस ऊपर चला गया तो लाइट तो हमारी वैसे ही आएगी, लेंस ऊपर जाएगा तो हमारी लाइट यहां बनेगी, कभी यहां बनेगी, कभी बीच में यहीं बन जाएगी, समझ गया कि नहीं समझ गया, किधर भी बनेगा, जब किधर भी बनेगा तो हमको दिखाई भी नहीं देगा, समझ गया। तो ये बातें हमको ध्यान रखना, तो मतलब अगर गाइस एक बात ध्यान दो,
अगर हमारा ये सिलियरी मसल, जिसे हम सिलियरी मसल कहते हैं, अगर हमारा यह सिलियरी मसल बराबर रहा तो हमको कोई टेंशन नहीं है, तब हमको बराबर तरीके सारी चीज़ें दिखाई देंगी क्योंकि हमारा लेंस बराबर पोजिशन में रहेगा। लेकिन अगर हमारा किसी कारणवश, किसी रीजन से हमारा सिलियरी मसल काम करना बंद कर दिया तो हमारा लेंस आगे पीछे होने लगता है, और जब हमारा लेंस आगे पीछे होगा तो हमारी लाइट बराबर रेटिना में नहीं पड़ेगी, और जब हमारी लाइट बराबर रेटिना में नहीं पड़ेगी ना तो समझ लो कि हमको, हम जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाएंगे और हमको दिखाई नहीं देगा कुछ भी। ठीक है, तो माय डियर एक बात ध्यान रखना कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे सिलियरी मसल आगे पीछे होती है। तो मान लो जब हमको बहुत ज़्यादा तेज लाइट देखते हैं, जब हम ज़्यादा तेज लाइट देखते हैं तो हमारी आंखें कैसे हो जाती हैं, अगर मान लो मेरी आईज ऐसी तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाती है। और गाइस जब भी हम लोग बहुत डिम लाइट देखते तो हम ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं हम डिम लाइट को, समझ गया? तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। ऐसे गाइस हम लोग बेसिकली देखा करते हैं, अगर डिम लाइट हो या फिर मतलब ब्राइट लाइट हो तो ऐसे हम लोग देखते हैं, ये बात आपको समझ के रखनी है। ओके, चलो, तो ऐसा करने से बार बार डिम लाइट, बार बार हम अपने जीवन भर में, लाइफ टाइम में 20 से 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र तक हम बार बार बड़ी आंखें करते हैं, छोटी आंखें करते हैं, बड़ी आंखें करते हैं, छोटी आंखें करते हैं। ऐसा करने से ना क्या होता है कि जो सिलियरी मसल है, ये मसल क्या होती है, एकदम लूज हो जाती है, लूज, एकदम लूज बन जाती है। और जब ये लूज बन जाती है तो हमारा हमारा जो इसकी पकड़ है टू द लेंस, ये लेंस को बराबर पकड़ नहीं पाता है और लेंस बेचारा इधर उधर होने लगता है। तो हमारा जब लेंस इधर उधर होने लगता है तो हमारी लाइट बराबर जब यहाँ से जाती है लाइट, तो लाइट बराबर हमारे रेटिना में नहीं पड़ती, और जब बराबर रेटिना में नहीं पड़ती तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता, फिर हमको चश्मा लग जाता है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे होते हैं, किसी किसी को बचपन में ऐसा हो जाता है। ये बातें आपको समझ के रखनी है अच्छे से गाइस। ठीक है, फिलहाल मुझे चश्मा नहीं लगा है, हाँ मैं इसको ऐसे पहन के रखता हूँ कि सामने मैंने बल्ब लगा रखा है तो मेरे आईज में ज़्यादा लाइट आती है, तो इसलिए मैंने चश्मा लगा के रखता हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर अगर मैं लाइट नहीं लगाऊंगा सामने अपने फ्रंट में तो मैं ही नहीं दिखाई दूंगा ना, तो इसके लिए गाइस। ठीक है, बाकी मुझे ढक्कन उक्कन लगता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये सिलियरी मसल की सारी बातें हो गई। मतलब सिलियरी मसल अगर हमारी मजबूत है तो हमको कभी भी आंखों का डिफेक्ट नहीं हो सकता है, हम बाकी सब मस्त एकदम अच्छे से रहेंगे। तो गाइज ये बातें आपको समझ के रखनी चाहिए। तो सारा लेंस मैंने आपको बता दिया कि लेंस एक स्मॉल चीज है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब रियल इन्वर्टेड का मतलब आप जान चुके रहोगे कि हमारे बॉडी में रियल इमेज बनती है बट इन्वर्टेड बनती है, ऐसे रहेगा, हमारी बॉडी में इन्वर्टेड इमेज बनती है। समझ गया कि नहीं समझ गया? इन्वर्टेड इमेज। अब ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब इतना अच्छे से आपको समझाया है ना कि आपको सब समझ गया रहेगा। देखो अब मैं आगे बताता हूँ, एक डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि गाइस मतलब पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या होता है। तो द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये एग्जाम में पूछता है व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि मतलब एक कैपेसिटी ऑफ द लेंस, मतलब लेंस की एक ऐसी कैपेसिटी माय डियर जो कि फोकल लेंथ को चेंज कर सकता हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसे। मान लो गाइस सपोज दैट आपके पास ये लेंस है, अब आपको समझना है सब कुछ, हाँ यही आपकी आंखों का लेंस है। देखो गाइस सारी चीजें मत पढ़ो, जितना मैंने पढ़ा दिया ना उतने में ही फोकस करो ना यार। मान लो गाइस ये लेंस है, अब मान लो ये क्या होता है, जब हमारे बॉडी के पास दूर से लाइट आती है तो हमारा हम आंखें बड़ी कर लेते हैं, तो हमारा जो लेंस होता है ना वो फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? हमारा लेंस फ्लैट। ठीक है, तो हमारा लेंस फ्लैट हो गया। फिर देखो जब हमारे बॉडी में लाइट पास में से आती है और डिम लाइट आती है तो हम क्या करते हैं, एकदम छोटा सा, एकदम अपनी आंखों को ऐसा छोटा कर लेते हैं, ऐसा छोटा कर लेते हैं, तो ये ऐसा वाइड हो जाता है। देखो ऐसा वाइड हो गया लेंस, लेंस मूव करता है ना, वाइड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लेंस विडन, वाइड हो गया। तो गाइज ये कभी फ्लैट होता है, कभी वाइड होता है। तो यही फ्लैट और वाइड होने की कैपेसिटी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब आपको समझ में आया पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? अब आपको समझ में आएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? तो कभी ऐसे फ्लैट हो जाना, कभी वाइड हो जाना, इसकी कैपेसिटी होती है हमारे लेंस के पास। यही कैपेसिटी को, कैपेसिटी टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, अपने लेंथ को चेंज कर देना। ठीक है, जब भाई लेंस ही बदल जाएगा तो उसका फोकल लेंथ ही बदलेगा ना। फोकल लेंथ यहां से लेकर के कहां इमेज बन रही वो फोकल लेंथ होता है। तो अब इस केस में अलग फोकल लेंथ रहेगा, इस केस में अलग फोकल लेंथ रहेगा, तो इसीलिए याद रखना अच्छे से। तो फोकल लेंथ गाइज हमेशा अलग अलग होते रहता है। ठीक है, तो यही कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ओके, तो ये बातें गाइस आपको सब समझ के रखनी है। थोड़ा सा इस केस में वही देख लो कि एक बात ध्यान रखना, अगर दूर से लाइट आती है ना और बहुत ब्राइट लाइट रहती है, अगर ब्राइट लाइट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब हमको दूर की चीज दिखती नहीं तो हम अपनी आंखों को बड़ा करते हैं, तब हमारा लेंस फ्लैट हो जाता है, फ्लैट। और जब हम पास की लाइट को देखते हैं, पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तब हमारा लेंस वाइड हो जाता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, एंड दिस इज दी आवर आई।
ओके चलो गाइस, आप इस इमेज को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी इमेज है, ठीक है। इसको आप एग्जाम में 3 मार्क्स को सिर्फ ये इमेज बनाने को दे सकता है, ठीक है। सो 3 मार्क्स को सिर्फ और सिर्फ गाइस ये आपको इमेज दे सकता है, तो इसको प्लीज आप याद रखना अच्छे से, ठीक है। सिलियरी मसल एक से कम 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है इस डायग्राम को बनाने की। एग्जाम में ये इमेज पूछा जा सकता है, प्यूपिल, कॉर्निया, आयरिस और सिलियरी मसल और हमारा ये लेंस जो है, लेंस और ये हमारा रेटिना। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेटिना में ही हमारी इमेजेस बनती है। अगर रेटिना खराब हो गया तो हमारी आंखें भी खराब हो जाएंगी। रेटिना में अगर बराबर इमेज नहीं पड़ती है तो हमको प्रॉब्लम होती है। अभी हम डिफेक्ट में पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। चलो खैर, अब हम गाइस आगे बढ़ते हैं, डिफेक्ट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इमेज आपको अच्छे से लिख के जाना है। ज्यादा उसमें का जो बहुत सारा लेवल दिया है ना, सब लेवल पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरे लेवल्स को पढ़ने की माय डियर कोई भी जरूरत नहीं है। जितना मैंने बता दिया सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है, उतना ही करके जाना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। नाउ डिफेक्ट्स देखो सिर्फ कितना बना क्या होगी जानते हो ना, यहाँ पे जैसे दिया है सिलेरी मसल बनाना, आयरिस, प्यूपिल, कॉर्निया और रेटिना। देखो यहाँ पे रेटिना दिया हुआ है, रेटिना इधर रेटिना है, तो बस इतना ही आपको करना है। बाकी बना देना पूरा डायग्राम, पर लिखने लिखोगे नहीं चलेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम यहाँ पे समझते हैं अच्छे से, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे समझो। अब गाइस ध्यान देना, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एग्जाम में 3 मार्क्स को पक्का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 के पेपर में आया था, 16 के पेपर में, 17, 18, 19 हर पेपर में आता है, ठीक है। तो डिफेक्ट्स के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, विजन मतलब देखना, देखने में क्या डिफेक्ट है और उनको करेक्ट एंड करेक्शन कैसे करते हैं हम, कैसे हम कोई भी चश्मा वश्मा लगाते हैं वो सब। तो गाइज कभी कभी पीपल्स लोग को, पब्लिक को क्या होता है कि वो कभी कभी क्लियर इमेज देख नहीं पाते हैं। जब क्लियर नहीं देख पाते क्योंकि लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ पावर होता है, लॉक ऑफ एकोमोडेशन पावर, लॉस एकोमोडेशन पावर बहुत कम हो जाता है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा लेंस जो है बराबर एकोमोडेट नहीं हो पाता, मतलब हमारा लेंस जो है बराबर तरीके से ना तो वाइड हो पाता ना बराबर तरीके से वो फ्लैट हो पाता है, तभी हमको ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा कब होता है, जब हमारा सिलियरी मसल बराबर काम करना बंद कर देती है और हमारा लेंस मूव करने लगता है। तो कभी कभी गाइज हमको कोई कोई इमेज फेंट या फजी दिखाई देती है, फजी यानी ब्लर ब्लर, फेंट मतलब अच्छे फिना दिखाई देना, चक्कर जैसे मारेगा, ऐसे आपको डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन होगा आपके अंदर। गाइज इसी तरीके से जनरली 3 टाइप के डिफेक्ट हैं आंखों के, आंखों में 3 टाइप की प्रॉब्लम होती है। ये डिपेंड करती है किसके ऊपर जानते हो, कभी कभी आपको पास का दिखाई देता है दूर का दिखाई नहीं देगा, कभी आपको दूर का दिखाई देगा पास का दिखाई नहीं देगा, कभी कभी आपको दोनों जगह का दिखाई नहीं देगा। तो यही है तीनों चीजें वो बीमारियां, मतलब एक में पास का दिखाई देगा, एक में दूर का दिखाई देगा, एक में दोनों का दिखाई नहीं देगा, समझ गया। तो ऐसा है, मतलब एक में अगर पास का दिखाई दे तो दूर का दिखाई नहीं देगा, अगर दूर का दिखाई दे तो पास का दिखाई नहीं देगा, एक में दोनों का दिखाई नहीं देगा। तो ये तीनों चीजें हैं। पहला डिफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, पहला डिफेक्ट माय डियर जिसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। अब जानते हो नियर साइटेडनेस क्या होता है? नियर साइटेडनेस को इंग्लिश में यानी कि हम लोग साइंस के लैंग्वेज में मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। मायोपिया और नियर साइटेडनेस एक ही बात है। नियर मतलब पास में, साइट SIGHT साइट, साइट मतलब देखना, यानी कि अब आपको समझ गया होगा। बस आपको देखो ट्रिक बताता हूं याद करने का, कभी भूलेगा नहीं। बस इतना पहला पॉइंट याद करो कि मायोपिया को ही नियर साइटेडनेस कहते हैं, पहले इतना याद कर लो, ठीक है। याद हो गया अच्छे से कि मायोपिया को ही नियर साइटेडनेस कहते हैं। फिर याद करो कि नियर मतलब पास होता है, साइट मतलब देखना, यानी कि इन दिस केस The eye can see nearby objects clearly. पास की ऑब्जेक्ट, नियर मतलब पास, साइट मतलब देखना, पास की ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाते हैं जबकि दूर की ऑब्जेक्ट को हम बराबर नहीं देख पाते हैं। तो नियर साइटेडनेस ऐसे इंसान की बीमारी है, जो जिस भी इंसान को नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया होता है तो वो पास की ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख पाएगा लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को कभी अच्छे से देख नहीं पाएगा, तो उसे हम ऐसी बीमारी को नियर साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है। ऐसे केस में गाइस जानते हो क्या होता है? ऐसे केस में ना देखो हमारा ये लेंस था, यहां से हमारे देखो ये लाइट जा रही है, तो लाइट बराबर देखो रेटिना में पड़ती है। अगर लाइट बराबर हमारे रेटिना में पड़ती है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, बहुत अच्छी बात है, हम देख पाएंगे, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। मतलब कि हम पास की ऑब्जेक्ट को देखो अच्छे से देख पाते हैं, पास के ऑब्जेक्ट को बराबर देखो रेटिना में, ये लाइन रेटिना है, ये लाइन जो है रेटिना है, तो बराबर हमारी इमेज देखो रेटिना में पड़ गई। अब जब हमारी पूरी इमेज रिफ्रैक्ट होके ये लेंस में से लाइट निकल करके और जब हमारे रेटिना में चली गई तो मतलब हमको बराबर दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट दिखाता है कि हमारी ऑब्जेक्ट नियर बाय है,
हम पास की चीजों को देख रहे हैं। नाउ अब देखो ये डॉट डॉट क्या दिखाते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट दूर से आ रही है। तो जब हम हमारे पास दूर से ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो हमारा जो लेंस है, लेंस तो वैसे ही है, लेकिन जो हमारा इमेज बनता है वो यहां पर ना बन करके देखो पहले ही बन गया, और ये हमारा लेंस था, मतलब हमारा फोकस पॉइंट जो था वो पहले ही हो गया, हमारा फोकस पॉइंट रेटिना में ही होना चाहिए। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस ने क्या कर दिया, पहले ही इमेज बना दिया। वो आंखों का जो बॉल रहता है, गोटे जो रहते हैं, जो उन गोटियां जो रहती हैं आंखों की बंडल, उसी के अंदर रेटिना के पहले ही हमारी इमेज बन गई, तो अब हमको दिखाई नहीं देगा, मतलब रेटिना पे बनेगा तो ही दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है गाइस, अब आप ही बताओ जरा, प्रॉब्लम में आप ही मुझे सुलझा के बताओ जरा, कि जब हमारी इमेज ऐसा खतरनाक हमारा लेंस हो चुका है कि वो पूरी लाइट को पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब पूरी लाइट को हमारा इमेज पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है, मतलब कि मान लो अगर ये लेंस था तो इसको यहां पे कन्वर्ज करना चाहिए, ऐसे कन्वर्ज करना चाहिए यहां पे, लेकिन वो क्या कर दे रहा है, वो यहां पर ही कन्वर्ज कर दे रहा है, यहां पर ही कन्वर्ज कर दे रहा है, ये गलत बात है। तो हमको दिखाई कैसे देगा, तो अब आप भी बताओ हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत पास में कन्वर्ज हो रहा है, दूर कन्वर्ज होना चाहिए, यहां पे कन्वर्ज होना चाहिए, तो पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा लाइट थोड़ी स्प्रेड हो जाए, हमारी लाइट थोड़ी डाइवर्ज हो जाए, दूर चली जाए और यहां पर स्प्रेड हो। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो कॉनकेव लेंस का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्यूशन, इस बीमारी को दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस हमारा कैसा होता है, कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, तो जो हमारी इमेज पहले ही बन रही थी तो उसको डाइवर्ज करके थोड़ा दूर बनाएगा, थोड़ा स्प्रेड करके दूर बनाता है हमारा। देखो ना यहाँ पे क्या करता है, ये ऐसे लाइट आ जाए तो ऐसे नहीं करता, ये क्या करता है जानते हो, ये कोई भी इमेज आएगी ना तो उसको ऐसा दूर भगाता है, ऐसे दूर भगाता है, तो मतलब डाइवर्ज कर देगा, तो हमारी लाइट थोड़ी दूर चली जाएगी। अब देखो ये हमारी पूरी आंखें थी, और आंखों के बाहर हम चश्मा लगाते हैं, चश्मे में हमने कॉनकेव लेंस पहन लिया। अब हमारी पहली लाइट आएगी तो कॉनकेव लेंस में से होकर के आएगी, तो फिर वो सीधे ऊपर जाएगी और वो इमेज को बराबर रेटिना पे देखो बनाएगी, बराबर रेटिना में बनाएगी। तो इस तरीके से गाइस हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो करेक्शन क्या है नियर साइटेडनेस बीमारी का, नियर साइटेडनेस का करेक्शन है कॉनकेव लेंस। तो अगर आप कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हो ना तो आपकी ये बीमारी दूर हो जाती है, ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। इतना अच्छे से गाइस मैंने आराम से आपको बताया है क्यों यूज करना है, मैंने वो भी सब आपको बता दिया है, ठीक है। सारे पॉइंट को ऐसे आपको समझ के रखना है। अब वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब पढ़ लेना कि इनफाइनाइट है। नियर साइटेडनेस में इमेज जो होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के पहले ही फ्रंट में बन जाता है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ये बाहर का रेटिना है, रेटिना के पहले ही बन जाता है। चलो अब रीजन क्या था इसका भाई, रीजन मतलब क्यों ये बीमारी हुई थी, ये रीजन जान लेते हैं। तो जो हमारा कर्वेचर है, कर्वेचर मतलब ये पूरा कर्वेचर रेटिना है ना, पूरा ये कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीज होता है। जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स बराबर नहीं हो पाती और लेंस हमारा प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है। और हमारा जो कन्वर्जिंग होता है पावर वो हमेशा लार्ज यानी बड़ा हो जाता है, कन्वर्जिंग पावर। अब ये लेंस था, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगा तो ये इमेज यहीं बना देगा, जबकि इसको यहां बनानी चाहिए, ऐसे बनानी चाहिए, तो वो पहले ही बना देता है। जब उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की तो पहले ही बना देगा। आई बॉल इलोंगेट हो जाती है, इलोंगेट मतलब बढ़ जाना, लंबी हो जाना, और रेटिना का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण से हमें दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है बट दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है बट पास की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। तो ये होता है हमारा मायोपिया में, दूर की ऑब्जेक्ट जिसमें दिखाई नहीं देती, और मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस यानी पास की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। सॉल्यूशन है कॉनकेव लेंस। रीजन क्या है कि लाइट हमारी जो है रेटिना में ना बनके पहले ही इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये रेटिना का फ्रंट है, रेटिना के फ्रंट में बन जाती है इमेज, जबकि रेटिना में बनेगी तो ही हमें दिखाई देगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलो अंगला डिफेक्ट की बात करते हैं। अंगला डिफेक्ट गाइस जो है वो हमारा है फार साइटेडनेस। बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान देना, सब समझ रहा होगा। फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया तो इंग्लिश नाम है, फार साइटेडनेस की बात करते हैं। अब बस इतना याद कर लो कि हाइपरमेट्रोपिया को ही फार साइटेडनेस कहते हैं, बस इतना याद कर लो। फार मतलब दूर, साइट मतलब देखना, यानी दूर की चीजें दिखाई देती हैं बट पास की दिखाई नहीं देती हैं, इसमें समझ गया। तो फार साइटेडनेस मतलब ऐसा कि एक ह्यूमन आई का ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को कैन नॉट सी क्लियरली, पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा बट दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाएगा, ऐसी बीमारी को हम फार साइटेडनेस कहते हैं। तो
फार साइटेडनेस में दूर की चीजें बहुत अच्छे से दिखती हैं बट पास की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, ये हमारा फार साइटेडनेस बीमारी होती है। ठीक है, तो फार मतलब दूर, साइट मतलब देखना, दूर का चीज दिखेगा इसका मतलब पास की नहीं दिखेगी, तो ये हमारा होता है गाइस फार साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस, उसमें क्या होता है मायोपिया में यानी नियर साइटेडनेस, तो माय डियर याद रखना उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा नियर साइटेडनेस है, पास की ऑब्जेक्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, अब गाइस यहां पे आपको समझने वाली बात ये है कि हमारे नियर पॉइंट जो होते हैं, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर तक का जो रहता है, 25 सेंटीमीटर तक की चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं और बाकी हमें सब दिखाई देता है। मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप रखोगे ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको ऐसा देखना पड़ेगा, हाँ क्या चल रहा है भाई, लिखा क्या हुआ है, ऐसे आप देखोगे तो पास की चीजें आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देंगी जबकि दूर की दिखाई देंगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, चलो समझते हैं अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइस यहाँ पे देखो, जैसे कि हम फार साइटेडनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं। तो देखो ये दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया तो ये दूर से आ रहा है। ठीक है, तो ये रेटिना में देखो बराबर पड़ेगी इमेज हमारी, यानी बराबर कन्वर्ज किया है अपने कन्वर्जिंग लेंस ने यानी कॉन्वेक्स लेंस ने, तो ये हमारा क्या है बराबर इमेज यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये क्या है हमारा अच्छे से इमेज बनी है, यानी दूर की ऑब्जेक्ट हमें बराबर दिखाई देती है। नाउ अब देखो यहाँ पे रखा, मतलब ये पास की ऑब्जेक्ट है, व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज मोस्टली नियर टू अस, तो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत पास में होता है तो हमारे रेटिना के बाहर इमेज पीछे पड़ती है, आंखों के पीछे हमारी इमेज पड़ती है। देखो ना, रेटिना को भी क्रॉस कर गया हमने, हमारी आंखों के पीछे हमारी इमेज पड़ती है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी आंखों के पीछे हमारी इमेजेस बनती है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो। तो अब भाई हमने क्या बोला था कि हमारे रेटिना में इमेज आएगी ना तो ही हमको दिखाई देगा, वरना हम देख नहीं पाएंगे, तो ये इमेज तो हमारे रेटिना से भी बाहर जा रही है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है, तो हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो नियर की ऑब्जेक्ट अगर आएगी ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि इस केस में क्या था, इस केस में पास की ऑब्जेक्ट देखो थी तो बराबर हमारे रेटिना में बन रही थी, और दूर की ऑब्जेक्ट देखो हमारे पहले ही बन जा रही थी, तो दिस इज द नियर साइटेडनेस। लेकिन इन दिस केस दिस इज द फार साइटेडनेस, दूर इमेज बन रही है। ठीक है, अब देखो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारी इमेज ज्यादा ही डाइवर्ज हो जा रही है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कन्वर्जिंग वाला एक और लेंस लगाएंगे। तो हम देखो यहाँ पे एक और कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे तो हमारी इमेज बराबर यहाँ पे बनने लगेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड इट इज द सॉल्यूशन फॉर फार साइटेडनेस, तो ये हमारे कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस हमारा सॉल्यूशन है फार साइटेडनेस का। ठीक है, तो दिस इज द करेक्शन, कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं जब किसी को फार साइटेडनेस हो जाए, यानी कि दूर का दिखाई दे बट पास का दिखाई ना दे, तो ऐसे केस में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना है। और नियर साइटेडनेस जब हमको हो जाए यानी कि मायोपिया, नियर साइटेडनेस मतलब मायोपिया, मैंने पहले ही बोला ना उसका दूसरा नाम याद कर लोगे तो सब ट्रिक समझ जाएगा। जैसे कि अभी फार साइटेडनेस है तो उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, तो किसी ने पूछा व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, तो आपको याद होना चाहिए कि हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस कहते हैं, और फार साइटेडनेस मतलब कि क्या होता है, फार मतलब दूर और साइटेडनेस मतलब दिखना, यानी दूर का दिखता है, इसका मतलब पास का नहीं दिखता है। तो किसी ने पूछा व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, तो बता देना कि हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन व्हिच ऑकर्स इन द ह्यूमन आई इन व्हिच वी कैन सी द फार ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट सी क्लियरली अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, समझ गया ना, तो ऐसे आपको लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना है। ओके माय डियर, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन लिखोगे ना, देखते हैं आपको कोई मार्क्स अगर आपको काट ले तो भला हिम्मत है किसी के अंदर, और ये डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा एग्जाम में, भले वो पॉइंट मत लिखो लेकिन ये लिखना पड़ेगा, और एक आध दो पॉइंट भी लिख देना ये तीनों डायग्राम बनाने का। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके रीजन क्या है, तो वही रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी इमेज है वो लेंस के बाहर बनती है, हमारे रेटिना के बाहर बनती है, और वो हमारा कन्वर्जिंग पावर उसकी कम हो जाती है, डिक्रीज होती है कन्वर्जिंग पावर, हमारी आई ज्यादा फ्लैट हो जाती है और रेटिना का साइज भी डिक्रीज होता है, मतलब मायोपिया का उल्टा है ये, रेटिना का साइज डिक्रीज हो जाता है और हमारी इमेज जो है पहले ना बन करके बाद में बनती है, ये सब हो जाता है। चलो ये सब आपको याद रखना है, रीजन मैंने अच्छे से आपको बता दिया, आपकी बुक में रीजन उजन अच्छे से नहीं लिखा है, मैंने आपको अच्छे से लिख के दे दिया है। नाउ लास्ट वाला पॉइंट है माय डियर प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया ये बुढ़े लोगों को होता है, बुढ़ाऊ लोग रहते हैं ना, बुढ़ाऊ लोग को होता है बुढ़ाऊ ठीक है, तो बुढ़े लोगों को होता है ये प्रेस बायोपिया, मतलब ये ऐसी बीमारी है जिनकी एज हो जाती है, बुढ़ाऊ लोग हो जाते हैं, 60-70 के हो जाओगे तभी आपको भी होगा, ये हम सबको होगा।
इसमें क्या होता है कि जो हमारी सिलियरी मसल होती है ना, वो बेचारी बहुत खराब हो जाती है और हमारे लेंस को बराबर पकड़ नहीं पाती, तो हमारा लेंस कभी आगे भागता है कभी पीछे भागता है, तो हमको दोनों हो जाता है बीमारी, यानी ना तो हम पास का देख पाते हैं और ना हम दूर का देख पाते हैं, यानी हम एकदम बुढ़े बन जाते हैं, हमको चश्मा भी लगाओगे तो काम नहीं करेगा तो हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसे केस में गाइस जो बीमारी होती है उसे हम प्रेस वायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे केस में? हम प्रेस वायोपिया कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि ना तो हम लोग पास के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं क्लियरली, नियर ऑब्जेक्ट को भी हम नहीं देख पाते हैं और ना ही हम फार्दर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, मतलब किसी भी चीज को हम देख ही नहीं पाते हैं, और लेंस हमारा जो है वो बार बार उसकी एबिलिटी चली जाती है, गायब हो जाती है उसकी एबिलिटी, और जिस वजह से हमारा लेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना या फोकस करना बंद कर देता है, और इसी वजह से माय डियर जब हमारा मसल्स वगैरह सब बंद कर देती है काम करना, क्योंकि हम बुढ़े हो जाते हैं तो हमारी मसल्स लूज हो जाती है ना, हमारी मसल लूज हो जाती हैं, और इसी रीजन से माय डियर कि हमको ना तो दूर का दिखाई देता है ना ही पास का दिखाई देता है। तो आपने देखा भी होगा कि बुढ़ऊ लोगों में दोनों चश्मे होते हैं, एक ढक्कन रहेगा ऐसे, आपने देखा होगा अपने दादी लोग को, ऐसे आपका चश्मा रहेगा, और चश्मे में क्या होता है डॉक्टर लोग दिमाग लगाते हैं, दोनों लेंस लगा देते हैं, ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स ऐसे लगा देते हैं, तो जब बुढ़े लोगों को दूर का देखना होगा तो ऊपर की आंखों से ऐसा करके देखेगा, ऐसा क्या है रे क्या है, और जब पास का देखना होगा तो ऐसे देखेगा, ऐसे देखता है, समझ रहे ना? तो वो दोनों लेंस लगा देते हैं हम लोग आंखों में, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी, दोनों हमको दिखाई देने लगता है, समझ गया? तो गाइज ये था हमारा मेन रीजन इस चैप्टर का, इस चीज को समझने का। ओके माय डियर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही मजा आया हमको पढ़ के आज की वीडियो में, और मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड की है, सभी नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो और या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी नीचे डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो का नाम है वहां पर डिस्क्रिप्शन है, वहां पर मैंने आपको लिंक दे रखी है, पहले ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से टेलीग्राम का, फिर उसके बाद वहां पे उस लिंक में क्लिक करना तो ज्वाइन हो जाना, और वहां पे आपको नोट्स फाइल में जाके सब ढूंढ लो, सब मिल जाएगा आपको, पूरा नोट्स डाल के रखा है साइंस 1 साइंस 2 सब, तो पूरी वीडियो को देखो, और इतना मजेदार तरीके से मैंने नोट्स के साथ आपको पढ़ाया है कि आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा। गाइस प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों में शेयर करना, यार आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज सबको शेयर करो, जितना हो सके एकदम फैला दो, सभी बच्चों को फैला दो, फ्री एजुकेशन है, एक भी रुपया नहीं लूंगा आपसे कभी भी, ठीक है? तो बस पढ़ते रहो। तो गाइज थैंक यू सो मच, आप मुझसे इंस्टाग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हो या तो टेलीग्राम में या फिर कहीं पर भी। बाय बाय, मिलेंगे अगले वाली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। बाय।